बिरला एयरकॉन पेश करते हैं स्टेनलेस स्टील से निर्मित बिरला एयरकॉन वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर चिलर, आरओ सिस्टम्स एवं फ्रीजर ऑन व्हील्स। कभी न गले सालों साल चले, आइए नवीन इलेक्ट्रिकल्स, पुरानी दिल्ली चुंगी मेरठ। नाजो से पाली गई बेटी का कत्ल करने के आरोपी बाप व माँ को आज मेरठ पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया। जिस युवक से बेटी प्यार करती थी वह मुस्लिम है लेकिन सैफी, जबकि यह परिवार कुरैशी है, यही कारण आधार बना बेटी के कत्ल का। बाप का दावा है कि केवल उसने ही कत्ल किया है और उसने ही शव को ठिकाने लगाने का प्रयास भी। माँ ने भी कत्ल के दौरान वहाँ मौजूद न होने की बात कही, लेकिन पुलिस ने बाप के साथ माँ को भी आईपीसी की धारा 34 के तहत अपराधी बना दिया। सेक्शन 34 यानी जब कई लोग समान इरादे से कोई आपराधिक कृत्य करते हैं तो उनमें से प्रत्येक इस कृत्य के लिए उसी तरह जवाबदेह होगा जैसे उसने अकेले इस काम को अंजाम दिया हो। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि ऐसा मौजूद साक्ष्य के आधार पर किया गया है। यह घटना है मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन की। मारी गई युवती का नाम है साइमा, जबकि गिरफ्तार पिता शाहिद कुरैशी व माँ शहनाज कुरैशी हैं। नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। साइमा के पिता शाहिद ने फर्स्ट बाइट से यह कहा। क्या नाम आपका? मोहम्मद शाहिद। किस तरह से घटना को अंजाम दिया था, क्या था पूरा मामला? जी, कुछ दिन पहले एक बार गलत हो गई थी लड़की, दोबारा कोशिश कर रही थी निकलने की, इसलिए पकड़ करके हमने मार दिया। कैसे, कहाँ पर मारा था, क्या था? घर में गेट तक पहुँच गई थी, वहाँ से पकड़ के इसको पटके लगाए, इसके बाद में गर्दन पर पैर रख करके छुरी से गर्दन काट दी। अच्छा, गर्दन उसकी कहाँ रखी थी? रोड 28 नंबर फेंकी थी और गर्दन इधर अंजू पैलेस की तरफ नाले में। इस बारे में आज एसपी सिटी विनीत भटनागर ने मीडिया को यह जानकारी दी। आप सभी को जानकारी है, 12 अगस्त की सवेरे एक युवती का शव एक मिला था और पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था क्योंकि उसका सर नहीं था और उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने तुरंत ही इसमें धारा 302 का अभियोग पंजीकृत किया था और हमारी कई टीमें इसमें लग गई थी क्योंकि ये चैलेंज था, पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था। जितनी गुमशुदगियाँ आसपास के जनपदों में और अपने जनपद में हमारी थी, उन सबको क्रॉस चेक कराया गया, उनके वादियों को और गवाहों को बुला करके पहचान कराई गई, लेकिन इसमें किसी प्रकार से पहचान नहीं हो पाई। अंत में इसका पंचायत राम पोस्टमार्टम भर के कराने के बाद में इनका क्रिमेशन कर दिया गया था, दफीना किया गया था और इनका डीएनए की सैम्पलिंग कराई गई थी ताकि भविष्य में इसमें कोई सफलता मिलने पर डीएनए की प्रोफाइलिंग से मैचिंग कराई जा सके। इसमें हमारी सर्विलांस एसओजी और थाना लिसाड़ी गेट की जॉइंट टीम्स लगी हुई थी, लगभग 6 टीमें इसमें लगी हुई थी और इस दौरान पिछले 6-7 दिन के दौरान लगभग 500 CCTV फुटेज वगैरह तलाशी गई और कई जगह से इसमें नाकाम होने के बाद में फाइनली एक ऐसा क्लू मिला जिससे पता चला कि ये इसकी गुमशुदगी इसलिए नहीं लिखाई गई थी क्योंकि इसके घर वालों का, इसके जो परिजन है मृतका के, उनके द्वारा ये घटना करी गई है। और पुलिस ने इस सारे क्लूज पर काम करते हुए इसमें घटना में जो शामिल थे माता और पिता, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर जो मृतका का जो सर धड़ से अलग कर दिया गया था उसको कल रात से अब तक लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद में एक नाले से बरामद किया है। साथ ही साथ जो अलाकत था जो कि अभियुक्त के द्वारा शव के पास ही कब्रिस्तान के पास एक नाले में फेंक दिया गया था उसको बरामद किया गया है। इस प्रकार इस घटना का पटाक्षेप हुआ है। अब इसके आगे हमारे साक्ष्य का मिलान किया जाएगा और जो डीएनए है डीएनए से सैंपल से इस चीज़ का एस्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, इकबाल किया है अपने जुर्म का और इसके साथ साथ जो जहां पर घटना हुई थी वहां पर भी कुछ हमने प्रारंभिक रूप से कुछ जो बेंजीन टेस्ट वगैरह होते हैं जो बताते हैं कि यहां पर ब्लड वगैरह था कि नहीं, उससे उसके द्वारा भी जो है घटनास्थल की भी पुष्टि करी है। सर, इनका अरेस्टिंग से पहले दफीना हुआ था? हाँ, 72 घंटे के बाद में जो बॉडी का जो है इसका ये प्रोटोकॉल है, बॉडी सड़ने ना लगे, गर्मी का मौसम है तो उसको जो है वो दफीना कर दिया गया था। दफीना ही किया जाता है आमतौर पर ताकि बाद में अगर पता भी चले कि ये किसी हिंदू व्यक्ति की है तो उसको फिर अंतिम संस्कार उनका जो है दाह संस्कार किया जा सके।
बॉडी सड़ने ना लगे गर्मी का मौसम है, तो उसको जो है वो दफीना कर दिया गया था। दफीना ही किया जाता है आमतौर पर, ताकि बाद में अगर पता भी चले कि ये किसी हिंदू व्यक्ति की है तो उसको फिर अंतिम संस्कार उनका जो है दाह संस्कार किया जा सके, इसलिए दफीना ही किया जाता है। ऐसे में वो किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मृतका का एक मधुर संबंध थे एक लड़के से, एक उनसे दोस्ती थी, मित्रता थी, जिसको बात को लेकर इनके पिताजी और माताजी जो है ये लोग इससे इस बात पे खफा थे, उनको नागवार था। उसी बात को लेकर 12 तारीख की भोर में किसी समय काफ़ी अर्ली इन द मॉर्निंग ये घटना जो है कारित करी है और ये इस बात को इन्होंने स्वीकार भी किया है। देखिए माँ को पूरी जानकारी रही, पिता और माँ ने आपस में बातचीत करके जो है ये घटना कारित करी है और साथ में उनकी एलिबाई तैयार करने के लिए उनको बता दिया कि ये किसी अस्पताल में इनकी बड़ी बेटी के डिलीवरी हुई थी, वहाँ पर ये माँ गई थी, तो उस बात में एक इन्होंने एलिबाई क्रिएट करी। लेकिन ये सारी चीज़ें जब साक्ष से वार्ता हुई प्लस साथ में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें उन्होंने वार्ता करी है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि माँ की भली भांति जानकारी नहीं घटना थी। देखिए इसमें एक धारा 34 और धारा 120 भी IPC के अंतर्गत माता जी का भी बराबर का रोल है, उनको भी हमने इसमें प्रॉपर साक्ष पाते हुए उनको भी इसमें हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। 302 में जी हाँ, 302 धारा सपठित धारा 34 धारा 120 भी। सर टीम के लिए कुछ इनाम घोषित करा क्या, जिस टीम ने खुलासा करा? हाँ बिल्कुल, टीम ने जो है इसमें बहुत मेहनत करके पहले तो घटना का खुलासा किया प्योरली मुखबिरों के माध्यम से सबलास का इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद में कल से अब तक आपको जानकारी है लगातार बहुत अथक प्रयास के बाद में जो स्तर है शव का उसको बरामद किया है। मेरे द्वारा उच्च अधिकारीगण से अनुरोध किया जा रहा है कि इस टीम को पुरस्कृत करने का प्रोत्साहन स्वरूप जब घटनास्थल से कब्रिस्तान के बीच की कितनी दूरी है? घटनास्थल से कब्रिस्तान के बीच लगभग है 2.5-3 किलोमीटर की दूरी है। डेड बॉडी वहाँ पर कैसे ले? डेड बॉडी को ये एक क्रेट होता है जिसमें कुछ में सामान वगैरह भेजते थे, जो लड़की पतले शरीर की थी तो उसका सर काटने के बाद में उसके शरीर को उन्होंने मोड़ करके और उसी क्रेट में रखा और किसी वाहन से ले जा रहे थे, लेकिन थोड़ा बोर हो गई, उनको लगा कि शायद इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। कब्रिस्तान में फेंकने का इनको इरादा था, लेकिन उसका वजन ज़्यादा होने के कारण, ये आदमी आपने देखा इसकी उम्र काफ़ी है, साइकिल पर लाद के ले गया था और उसके बाद उठा करके उसने जब फेंकने का प्रयास किया तो नहीं फेंक पाया तो जगह पे छोड़ के चला गया, कब्रिस्तान की दीवार से जस्ट जुड़ा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।